दोस्तों फिर से स्वागत है मैन्युफैक्चरर्स गाइड के एक एवरग्रीन बिजनेस आइडिया के एपिसोड में। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा बिजनेस कप प्रिंटिंग बिजनेस जो कि एक सदाबहार बिजनेस है, सालों साल चलने वाला बिजनेस है और इसकी जो डिमांड है कप प्रिंटिंग की जो डिमांड है वो हमेशा रहती है, हर साल रहती है, हर महीने रहती है और 365 दिन चलने वाला ये बिजनेस है। ठीक है, तो ये कप प्रिंटिंग बिजनेस आपको कैसे शुरू करना है और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है, मतलब 3000 रुपए की मशीन लेकर, 3000 रुपए की ये कप प्रिंटिंग मशीन लेकर आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। जी हाँ, इतने कम इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हो जिसमें आप ये कप प्रिंटिंग बिजनेस करके आपका जो पैसा है वो डबल कर सकते हो, डबल का इसमें प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो ये कप प्रिंटिंग बिजनेस आपको कैसे करना है, क्या मशीन लगती है, रॉ मटेरियल क्या लगेगा, बिजनेस कैसे करना है, प्रॉफिट कितना होगा, इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी और सबसे मेन चीज मार्केटिंग, मार्केटिंग कैसे करना है, राइट। हम लोग बना तो लेंगे कप्स, प्रिंट तो कर लेंगे, बेचना कैसे, कस्टमर्स आप तक कैसे आएंगे, उसकी ए टू जेड जानकारी लेने के लिए मैं आ गया हूँ मिस्टर सुधांशु सर से मिलने, अपेरल टेक्स है, जहाँ पर सर हमें बताएंगे ए टू जेड जानकारी कप प्रिंटिंग बिजनेस के बारे में। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना तो आपको कप प्रिंटिंग बिजनेस के बारे में कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो सर बताइए क्या है ये बिजनेस और इसका स्कोप कितना बड़ा है इंडियन मार्केट में। देखिए सर, जो कप और मग्स जैसी जो चीज़ें, ये जो प्रिंटिंग का स्कोप है ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये एक बहुत डेली यूज़ में काम आने वाली चीज़ें हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आज लोगों ने शुरू करा और ये कल ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक बेसिक डेली नीड की चीज़ है जो आप अपने एवरीडे यूज़ में डेली यूज़ करते हो। ऑफिसेज में कप्स यूज़ होते हैं सबके लिए, घरों में कप्स यूज़ होते ही हैं, तो ये सारी चीज़ें ना डेली रिक्वायरमेंट आती है इनके अंदर। कॉर्पोरेट में भी बहुत अच्छी डिमांड आती है और कोई भी ओकेजन होता है, दिवाली होती है, रक्षाबंधन होता है, बर्थडेज होते हैं, एनिवर्सरीज होती है, तो सब इसमें है ना अलग अलग टाइप की चीजें एक दूसरे को गिफ्ट करते ही हैं। बल्क गिफ्टिंग में भी काम आता है और इंडिविजुअल गिफ्टिंग में भी काम आता है। और हम जो है ना अपैरल टेक के अंदर ये प्रॉपर एक बिजनेस को चैनलाइज करते हैं, मतलब एक प्रॉपर तरीके से उनको काम शुरू कराते हैं जहां पे वो सिर्फ मशीन और प्रिंटर ही नहीं, सारा कच्चा माल भी हमसे ले जा सकते हैं और उसकी हम ट्रेनिंग भी आपको प्रोवाइड करते हैं कि वो कैसे मशीन चलानी है, कैसे प्रिंटर यूज करना है, प्रिंटिंग कैसे करनी है और उसको आगे बेचना कैसे है। हम यहाँ तक की चीज़ें कस्टमर को सिखा के बेचते हैं ताकि कल को वो मशीन ले जाए तो वो इजीली अपना काम कर पाए। और ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी रेगुलरली आपको एक इनकम का सोर्स आपको जनरेट करेगी, आप इस काम से इजीली पैसा कमा सकते हैं। तो कितना कमा सकते हो सर, इसमें प्रॉफिट कितना होता है वो जरा बताइए। जैसे डबल का होता है लोग बोलते हैं, तो क्या कैसा सिस्टम है वो जरा बताइए, छोटा सा एग्जांपल दे दीजिए। छोटी सी अगर हम बात समझे, आपके सामने हमने इतने सारी चीज़ें रखी हैं, ये कोई भी जो बेसिक चीज़ है, ये प्लेन मग्स हम 32 रुपए की स्टार्टिंग है, 32 रुपए से हम मग स्टार्ट करते हैं और ये 32 रुपए से हम मग अगर प्लेन मग किसी को दे रहे हैं और ये प्रिंट होके अगर आप इसके अंदर जो लागत आपकी प्रिंटिंग में जो लागत आती है, अगर मैं आपको उसको भी थोड़ा डिटेल में बताऊं तो 1-2 रुपए या 3 रुपए की मैक्सिमम लागत आएगी आपकी, एक से दो रुपए 3 रुपए की। और ये भी हम आपको प्रॉपर जस्टिफाई कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं क्योंकि हमारा पेपर, इंक, टेप सब कुछ हमारा है और हम वही आपको प्रोवाइड करते हैं, हम आपको सेम सेट ऑफ चीज़ें ही हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये 1-2 रुपए की लागत आती है और जो ये कॉस्टिंग इसकी जो रेट पे बिकता है वो 100-150 रुपए ईजिली बिकता है। तो आप समझ सकते हो, हाँ जी, तो आप समझ सकते हो कि इसकी जो एक प्रिंटिंग कॉस्ट है वो बहुत कम है और जो एक आपको प्रॉफिट मार्जिन है और जो गैप है वो बहुत बड़ा है और बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं, नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वो इसकी कॉस्टिंग भी ऐसी देते ही है। और अगर हम बात करें कि आप पर मंथ या पर डे कितना कमा सकते हो, तो मैं आपको देखो एक बहुत सिंपल सी फिगर बताऊंगा कि आप इजीली 40-50 हज़ार रुपये पर मंथ तो कमा ही सकते हो और कहीं ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो मंथली 1-2 लाख रुपये भी इससे कमा रहे हैं। तो आगे सर बताएंगे एक प्लेन मग पे सर हम लोग प्रिंट करके दिखाएंगे, राइट, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी बिजनेस शुरू करने के लिए, मार्केटिंग कैसे करनी है वो सारी सर हमें जानकारी, और जो प्लेन मग्स हैं वो आपको अलग अलग वैरायटी में कितने में मिलेंगे, राइट, कितने तक स्टार्ट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आएगी, वो सारा ए टू जेड जानकारी देने वाले। तो वीडियो में आप बने रहिए आगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं मग प्रिंटिंग बिजनेस की, इस बिजनेस के अंदर क्या है, आपके पास क्लाइंट डिज़ाइन दे सकता है और वो जो डिज़ाइन है आपको अपने कंप्यूटर पे ओपन करना है, वो डिज़ाइन आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, उसका प्रिंटआउट आपको प्रिंटर से लेना है। ये प्रिंटर के अंदर इसका कमांड देने का काम बहुत सिंपल है, ये सारा ट्रेनिंग भी हम वैसे सॉफ्टवेयर में ही हम लोग, ये बेसिक आप किसी भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हो, आपको एडोब के अंदर आपके पास उसका सॉफ्टवेयर है तो आप उसमें करो, कोरल ड्रॉ है तो कोरल ड्रॉ में करो, आप वर्ड से भी इसका प्रिंटआउट दे सकते हो, इसमें कोई सॉफ्टवेयर की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है, बस डिज़ाइन खुलना चाहिए और डिज़ाइन का आपने प्रिंटआउट देना है। प्रिंटआउट दोगे आप, ये वाले हमारे पास प्रिंटर्स हैं, प्रिंटर के अंदर भी 2-3 वैरायटी आती है, इसमें हमने किसी एक प्रिंटर पे कमांड दिया है, अब ये प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलेगा। कौन सा प्रिंटर होता है सर ये? इसके अंदर हमने इप्सन के प्रिंटर यूज कर रहे हैं, एल सीरीज के, इसके अंदर और भी 2-3 प्रिंटर्स आते हैं, F130 भी आता है, L1800 भी आता है, L130 भी आता है, मतलब प्रिंटर्स बहुत सारे। तो अब इसके अंदर जो मेजर चीज है जिसकी वजह से प्रिंटिंग हो रही है वो है ये वाला इंक टैंक।
ये इंक टैंक इसके साथ आता है प्रिंटर में, साथ में इसमें जो इंक डलती है ये वाली इंक बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से प्रिंटिंग हो पाती है। ये सारा जो रॉ मटेरियल है प्रिंटिंग और ये शीट्स वगैरह सब, ये सब आपको मेरे पास से मिलेगा। और ये पेपर कौन सा होता है सर? ये पेपर भी होता है सब्लिमेशन पेपर। ये सब्लिमेशन इंक होती है, नॉर्मल इंक नहीं होती जो इप्सन का, इप्सन के प्रिंटर में यूज होती है, दूसरी इंक होती है जैसे सब्लिमेशन इंक, और ये सब्लिमेशन का पेपर होता है। इसी के मदद से, इस कॉम्बिनेशन की वजह से एक जो प्रिंटआउट निकलता है उस, वो वाला जो सब्लिमेशन पेपर है वो उसके अंदर इसका ट्रांसफर हो जाता है। तो आप ये देख सकते हो कि सर ऐसे इसके अंदर प्रिंटिंग चल रही है, ये आपका सारा जो प्रिंटिंग का प्रोसेस है ये स्टार्ट हो चुका है, मतलब प्रिंटर अपना ये वाला प्रिंटिंग का कमांड निकाल रहा है। तो सर इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज वगैरह की जरूरत नहीं है ना ज़्यादा? नहीं, इसमें कोई बेसिक, आपको बहुत बेसिक नॉलेज इसके अंदर चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको कोई डिग्री या कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल या फिर कोई बहुत ज़्यादा किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज चाहिए। कोई भी जना काम कर सकता है, कोई जना बेरोज़गार है वो भी ये काम कर सकता है, कोई 12th पास है वो भी ये कर सकता है, कोई 10th पास है वो भी कर सकता है, ऐसा नहीं है, कोई इसमें नॉलेज या एजुकेशन का कोई मैटर नहीं। तो अब हमारा ये प्रिंटआउट रेडी है, अब हम इसको मग के ऊपर ट्रांसफर करके प्रिंट करके आपको दिखाते हैं। तो इस कप प्रिंटिंग बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी ये वाली मशीन और वो जो प्रिंटर हमने आपको दिखाया, ये छोटी सी एक मशीन है बट ये सारे काम ये वाली मशीन से हो सकते हैं, सारे जितने भी मग्स हैं आपके सारे इससे प्रिंट हो सकते हैं। ये जो मशीन को चलाने के लिए आपको नॉर्मल बिजली पर आपका काम हो जाएगा, आपको कोई अलग से इन्वर्टर या कोई अलग से स्टेबलाइजर या कोई फेज के अंदर चेंजिंग कराने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल घर के मीटर पर भी आपका ये काम सारा हो जाएगा। तो अभी हम आपको कटिंग करते हैं इसको। दोस्तों ये सीजर एक इंपॉर्टेंट टूल है हमारी डिजाइन को अच्छे से कटआउट करने के लिए, तो मैंने इसे व्यू प्रोडक्ट में टैग किया हुआ है, तो जो भी आप बिजनेस शुरू करोगे तो आप वहां से खरीद कर इसे यूज में ले सकते हो। और जो भी आपने डिजाइन प्रिंट करना है आपको उसको इसके ऊपर पेस्ट करना है, ये आपने यहाँ पे रखा, और हम इसके लिए यूज करते हैं हीट टेप का यूज करते हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये बहुत सिंपल है, बस ये आपने इसको इसके ऊपर पेस्ट करना है, और ये हीट टेप का हम यूज करते हैं, सब्लिमेशन हीट टेप इसे कहते हैं। और ये हीट टेप क्या है, आपकी मेल्ट नहीं होती, कितने भी हाई टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होती। ये भी आपके पास से मिल, सब कुछ ये मिल सारा आपको सेटअप मेरे पास से ही मिलेगा, आपको हीट टेप से लेकर मशीन, पेपर, इंक, ये सब आपको मिलेगा। ये जो हमने मशीन को है हमने सेट कर रखा है 355 डिग्रीज पे अप एंड डाउन, एंड जो टाइम हम यूज़ कर रहे हैं वो 120 सेकंड का यूज़ कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग के लिए। हमने मशीन को ऑलरेडी सेट कर रखा है, जो भी अगर आपको मशीन सेट करना भी सीखना है ये भी हम आपको सिखा देंगे। आपने मग को इसके अंदर सेंटर में लगाना है और आपने ये मशीन को इसके अंदर ऐसे आपने प्रॉपर प्रेस करना है। आपकी मशीन इसके अंदर मग सेट होते ही आपका टेम्परेचर एक बार नीचे जाएगा, फिर अपने आप ही ये 1 से 1.5 मिनट के अंदर इसका प्रिंटिंग का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। जब तक ये हमारी प्रिंटिंग चल रही है मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी और वैरायटी के प्लेन मग्स हम रखते हैं अपने पास, जो आप हमसे कभी भी ले सकते हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सारा रॉ मटेरियल, ये सारा कच्चा माल आपको हमारे यहाँ से मिल सकता है। आप देखो वैरायटी कितनी सारी है, ये ग्लिटर के अंदर मग्स आते हैं, इनर कलर के अंदर, ये भी आपको हमारे पास से मिल सकता है। ये नियॉन मग्स, क्या प्राइस तक मिलेगा सर? प्लेन मग कितने रुपए से शुरू हो जाएगा? सर हमारे पास प्लेन मग जो है वो 32 रुपीज से स्टार्टिंग है। वाह, 32 रुपीज से हमारे पास प्लेन मग की स्टार्टिंग है, और वो अलग अलग वैरायटी के हिसाब से अलग अलग चीज है। आप ये देखो स्पून मग भी है हमारे पास, ये साइज में बड़ा आता है, ये हार्ट हैंडल में आ गया, और ये देखिए ये एक और मग आता है, ये नेवल मग आता है, ये वाला भी है हमारे पास। ये कितने का आएगा सर? सर ये वाला मग आता है 125 रुपीज़ का। इनफैक्ट मैं आपको, छोटे मग्स भी आते हैं हमारे पास, अगर हम बात करें ये छोटे साइज़ का मग्स, आप मग्स देख रहे हैं, ये फ्लावर पॉट्स भी आते हैं, ये सब, इन सब के ऊपर प्रिंटिंग पॉसिबल है। पेन होल्डर्स भी आते हैं, ये सब हमारे पास पॉसिबल है, और हमारे पास पॉलीमर मग भी आते हैं जो गिरने पर टूटता नहीं है। तो वैरायटी बहुत है, सब पे प्रिंट कर सकते, सब पे प्रिंटिंग इसी मशीन से होगी, किसी और मशीन की आपको जरूरत नहीं है। तो अगर आपके पास कोई भी आपको रिक्वायरमेंट है, कोई भी मग आपको चाहिए, कोई सा भी प्लेन मग आपको रिक्वायरमेंट में है, आपको कितनी भी क्वांटिटी चाहिए, 36 की पैकिंग आती है, आप कैसे भी ले सकते हैं। और अगर आप बहुत सारी वैरायटी लेना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास वैरायटी कम से कम 100 से ज्यादा वैरायटी है प्लेन मग्स के अंदर, तो आप हर मग के 12 पीसेस भी ले सकते हैं। हमारी एक ट्रे में 12 पीसेस आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हैं। ये हमारा प्रिंट का काम पूरा हो चुका है, तो हम एक बार इसको मग को देखते हैं कि कैसी प्रिंटिंग आई है और कैसा इसके ऊपर क्वालिटी दिखाई दे रही है हमें। तो मग थोड़ा सा गर्म होगा, बट हाँ ये आप देखो, वाह, ये आप देखिए कितनी अच्छी इसके ऊपर प्रिंटिंग आई है। वाह, चारों तरफ से आप देख रहे हो एज टू एज प्रिंटिंग कितनी अच्छी आई है। ये यही होता है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी का मग और अच्छी क्वालिटी का अगर आप पेपर यूज़ करते हो तो आपकी एज टू एज प्रिंटिंग में कभी भी दिक्कत नहीं आती।
तो सर अभी ये कितने में बिकेगा? अब ये मग आपका रेडी टू सेल है, आप किसी को भी कस्टमर को ये बिल्कुल आपके बनते ही आप उसको दे सकते हो। और ये वाला मग आपका इजीली, जो हमने 32 रुपए के मग की हम बात कर रहे हैं, ये 32 रुपए का मग आपका इजीली मार्केट में 150 रुपए तक का बिकेगा ही बिकेगा, और मार्केट के अकॉर्डिंग इसका प्राइस बढ़ भी सकता है। तो इस सेम प्रोसेस में आप कैसी भी प्रिंटिंग कर सकते हो, आप देख सकते हो कंप्लीट प्रिंटिंग हुई है, ये वाली आप प्रिंटिंग कर सकते हो। आप ये देख सकते हो ये वाला एक मग है, उसके ऊपर आपने ब्लैक एंड व्हाइट कलर, ब्लैक कलर से प्रिंटिंग करी है। आप ये देख सकते हो इसके अंदर आपने किसी कंपनी का पूरा ऐड करा है, तो ये प्रिंटिंग का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप बहुत टाइप की प्रिंटिंग कर सकते हो। आप देखो ये भी एक मग आता है हमारे पास, कितना अलग वैरायटी का ये मग है, इसके ऊपर कोई सा भी प्रिंटिंग करनी है आपने, कैसी भी ब्रांडिंग करनी है वो आप इजीली कर सकते हो। आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊंगा, ये देखिए ब्लैक पैच मग जो कम्प्लीटली ब्लैक हो गया, अंदर बाहर चारों तरफ से कम्प्लीट ब्लैक पैच मग है। ये देखिए ये एक और डिज़ाइन है जो प्रिंट होते रहते हैं, तो मतलब डिज़ाइन आप इसमें कोई सा भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। और कौन से अलग अलग क्वालिटी के बता दीजिए। ये देखिए हमारे पास ये आपका मैजिक मग के अंदर इनर कलर मग आता है। मैजिक मग क्या होता है सर? तो आप है ना मैजिक मग भी प्रिंट करके दे सकते हैं। मैजिक मग की जो खासियत होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैजिक मग के अंदर क्या है, जैसे ही आपने गर्म पानी डाला तो उसका जो कलर है, जो प्रिंट का आपका डिजाइन है, वो आपको पूरा बाहर दिखने लग जाएगा। तो ये जो चाहे हम लोग प्रिंट कर देते हैं इस पे टाटा इटाची। हाँ जी हाँ जी, आप इसमें कोई सा भी डिजाइन प्रिंट कर सकते हो। सेम प्रोसेस है ना, सिर्फ कप डालो, प्रिंट डालो। सेम प्रोसेस है, प्रिंटिंग का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। अभी आप देखो गर्म पानी डालते ही ये वाला सारा इसका डिजाइन हमें अच्छे से बाहर आ गया है, जो आपको। तो सर ये कितने में मिलेगा प्लेन मग और ये हम लोग कितने? अगर हम प्लेन मैजिक मग की बात करें तो ये आपका 75 रुपीज में आपको प्लेन मैजिक मग मिल जाएगा, और प्रिंटिंग होने के बाद ये 450-500-600 रुपए तक भी बिकता है, क्योंकि अगर आपका कोई भी डिजाइन इस पे प्रिंटेड है तो आप समझ सकते हो कि उसकी वैल्यू क्या आती है इसके अंदर। इनफैक्ट आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, ये जो हमारी मशीन है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, मग मशीन जिसको हम बोल रहे हैं, ये जो छोटी सी मशीन है ये सिपल्स भी प्रिंट कर सकती है। अच्छा। और इसकी टेक्निक भी हम आपको बताते हैं कि ये एक मग मशीन से सिपल्स आपके कैसे प्रिंट होते हैं। तो जैसे अभी हमने मग का प्रोसेस देखा, तो ये सेम प्रोसेस में आपने ये आपका प्लेन सिपर आता है, ये भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ये वाला प्लेन सिपर्स भी हमारे पास मिलते हैं। आपने इसके ऊपर इसका प्रिंट आउट निकाला, जो इसका डिजाइन है वो आपने इसमें डाला, और ये आपका इसी के अंदर आपने हीट प्रेस करना है, वही सेम टाइमिंग होगा, टेम्परेचर होगा, आपको उसके लिए भी टेम्परेचर चार्ट देंगे, और आप देख सकते हो कि उसके बाद ऐसे इसका प्रिंटिंग का रिजल्ट भी आ जाता है। क्या आप देखो ये सारी प्रिंटिंग आपकी इसी से पॉसिबल, और सिपर्स में भी मेरे पास बहुत सिपर हम लोग इससे कर सकते हैं, सिपर्स का काम भी आपका इससे हो सकता है। आप समझ के चलो कि ये वाला जो आपका बेसिक सिपर आते हैं वो हमारे पास 50, 60, 70, 100, 200 रुपए वाली जो रेंज है वो इजिली 400-500 रुपए के अंदर बिकती है। आप देखो मेरे पास सिपर्स में कितनी वैरायटी है, ये आप टेम्परेचर बॉटल्स भी आती है जिसके अंदर यहाँ पे टेम्परेचर डिस्प्ले होता है, ये सब आप पॉसिबिलिटी है कि आप इसी मशीन से आप प्रिंटिंग कर सकते हो। तो सर ये इतना इजी है कि कोई भी कप प्रिंट करके रेडी कर सकता है, बट मेन बात है सेलिंग की, कस्टमर्स मेरे पास कहाँ से आएंगे और बेचना कैसे, उसका मार्केटिंग टिप्स वगैरह बता दीजिए। ये जो आपकी डेली हाउस होल्ड चीज़ें हैं ये आपकी हर दिन की रिक्वायरमेंट में आएंगी, तो ये काम का आपने कुछ भी नहीं करना है, एक अपना इंस्टाग्राम पेज बनाओ, फेसबुक पेज बनाओ, उसके अंदर आपने जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हो, फोटोज रील्स वगैरह आप शेयर करो। इंस्टाग्राम बहुत बड़ा मार्केट है, फेसबुक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है, ये आप देख सकते हो कि इंस्टाग्राम पे कैसे लोगों ने काम कर रखा है और कैसे वो अपने रेगुलरली ऑर्डर्स जनरेट करते हैं, अलग अलग वैरायटी के मग्स प्रिंट करके उन्होंने डाल रखा है, और ये सारी वैरायटी आपको मेरे यहाँ मिल जाएगी। आप देख सकते हो प्राइसिंग सबकी क्या, 249 सेम प्रोसेस से प्रिंट होता है, सेम प्रोसेस से प्रिंट है, और मग्स भी सेम है। आप चेक कर सकते हो कि मैं आपको जो भी चीज़ बता रहा हूँ उसको आपको बकायदा मैं उसका प्रूफ देता हुआ जा रहा हूँ कि हाँ ये कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बहुत इजी प्रोसेस है और इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। ये आप देख सकते हो लोगों ने रील्स बना बना के इसमें ऑर्डर्स जनरेट करे हैं, और ये सारे मग्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ये आप देखो कि इन्होंने अपना नंबर तक डाला है इसमें, और ये इसी नंबर पे कॉन्टैक्ट करके लोग ऐसे अपने ऑर्डर्स कन्फर्म करते हैं। ये आप देखो कि कैसे इन्होंने मग प्रिंटिंग के लिए अपनी एक रील बनाई है, और कैसे मतलब कस्टमर्स इनके पास इजीली जाते होंगे कि हाँ ये वाले मग्स। ये आप देखो सर कैसे लोगों ने अपनी प्रिंटिंग के मग्स दिखा दिखा के यहाँ पे अपने ऑर्डर्स जनरेट करते हैं, सबके अपने प्रॉपर डिटेल डालते हैं कि कैसे ख़रीदना है, कहाँ से लेना है, अपनी क्वेरीज कैसे देनी है। और आप देखो ये इजीली ये बिज़नेस एक ऐसा है जो आप घर पे बैठे बैठे आप इंस्टाग्राम फेसबुक या किसी भी ऑनलाइन मीडियम के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि आपके पास हर बार रिटेल ऑर्डर्स आएंगे या फिर हर बार आपके बर्थडेज एनिवर्सरीज के ऑर्डर आते हैं, आपके पास कॉर्पोरेट का बहुत काम आता है इसमें। कॉर्पोरेट के अंदर मग्स एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो ये सारे जो मर्चेंडाइज है उसके अंदर आपके पास 1000, 2000, 100, 200, 500, 50
हर टाइप की वैल्यू का ऑर्डर आएगा कि आपने इतने मग्स चाहिए, तो वो आपने प्रिंट करके देना है। तो उसके अंदर तो सर कोई लिमिट नहीं, आप जिस एरिया में बैठे हैं वहाँ पे आपने कॉर्पोरेट्स को टारगेट करना है, आपने उनको मैसेज करना है, आपने प्रोडक्ट पिच करना है, क्योंकि कोई भी कंपनी है वो इन सब प्रोडक्ट्स के ऊपर स्पेंड करती ही करती है। अगर आपके पास थोड़ा सा और आप काम करना चाहते हो, अपनी वेबसाइट बनाओ, उसके ऊपर अपने बनाए हुए डिज़ाइन डालो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको क्लाइंट अपना डिज़ाइन दे, आपने वही बना के बेचना है। आप कोई अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करना चाहते हो तो आप वो डाल सकते हो। अगर आप कहते हो नहीं सर मेरे पास डिज़ाइन नहीं है, मुझे डिज़ाइन बनाने नहीं आते, तो अगर आप अपैरल टेक के साथ काम शुरू करोगे तो अपैरल टेक आपको 3,000 से 4,000 डिजाइन फ्री ऑफ कॉस्ट देगा मशीन के साथ। तो कप प्रिंटिंग, मग्स प्रिंटिंग बिजनेस करने के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी? देखिए अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो मग मशीन का प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये का है। 3,000 रुपये के अंदर आप मग प्रिंटिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में आप एक प्रिंटर लेंगे जो आपका 10,000 रुपये से शुरू हो जाता है और उसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। मतलब अगर हम एक ओवरऑल एक सेटअप की अगर हम बात करें तो आप 15,000 से 20,000 रुपये के अंदर आपको कुछ सैम्पल्स मग्स के साथ और सिपर्स के साथ आप एक मग प्रिंटिंग का या फिर प्रॉपर एक सिपर प्रिंटिंग का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। और ये हम आपको सारा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। आप पेपर देख सकते हैं, ये सब्लिमेशन पेपर की पैकिंग है, ये सब्लिमेशन इंक है, ये 6 कलर आते हैं, कई प्रिंटरों में 4 डलते हैं, तो ये सारा आपको सेटअप मेरे यहाँ मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको कप प्रिंटिंग बिजनेस शुरू करना है तो सर की कंपनी का जो नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर एड्रेस सब कुछ है, तो आप उन्हें कॉल करके इस बिजनेस के बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।